हे गाइस, दिस इज इमरान एंड यू वाचिंग टेक रिव्यू डेस्टिनेशन फॉर टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाला हूं जो कि इस ऐप में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आप अपने डेली लाइफ के सारे काम इजीली कर सकते हो, या फिर आप ये कहें कि ये ऐप सब ऐप का बाप है, यानी एक ऐप और पूरी दुनिया का काम एक तरह से कह सकते हैं। और इस ऐप का जो साइज़ है, डाउनलोड साइज़, वो काफ़ी कम है। इतना कम में तो मतलब कि कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस ऐप का नाम क्या है और इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले चलेंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे स्मार्ट किट और सर्च करते हैं, तो आपके सामने इस ऐप का नाम आ जाएगा, स्मार्ट किट 360। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। उसके बाद ही हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, हम इसे करेंगे अलाउ। इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका होम पेज और यहाँ पे हेडिंग है प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलिटी टूल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नोट पैड, डिक्शनरी, एक्सरसाइज, डेली लाइफ के जो जो आपको चाहिए होते हैं लगभग लगभग यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप यहाँ से इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे जितने आपको दिख रहा है, जैसे फाइल मैनेजर, कटर, मेट्रोड्रॉम, इसमें कुछ तो एप्लीकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर, कुछ है शॉर्टकट्स जो कि इसे आपको वेब पेज पे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन वो आपको गूगल क्रोम या कोई और ब्राउज़र ओपन करने को नहीं कहेगा। इसके पास खुद का अपना ब्राउज़र है। ठीक है, तो चलिए इसे हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं हेडिंग में मार्केट। अगर आप मार्केट सब्जी लेने जा रहे हो तो यहाँ पे सब्जी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में जाके शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज से, या भी आप बैक जाओ और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से इंटरनेट का स्पीड भी चेक कर सकते हो। तो मैं इंटरनेट पे क्लिक करता हूँ और करता हूँ स्टार्ट। ये हो रहा है पिंग अभी, और ये हमें एक मिनट में के अंदर ही चेक कर बता देगा कि हमारा इंटरनेट का स्पीड कितना है। ओके, ओके, तो हमारा इंटरनेट का स्पीड चेक करके हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। तो इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए भी आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको इसी ऐप के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। तो ये तो हुआ बात टूल्स का। अब आप बोलोगे कि मैंने कहा था कि हमारे सभी कामों का ये एक सिंगल ऐप है, तो हम हैं भैया सोशल मीडिया चलाने वाले, तो हमारा सोशल मीडिया तो है ही नहीं। तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाइए ऑप्शन पे और यहाँ पे है ऑल सोशल मीडिया, इस पर क्लिक कर देंगे तो जितने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको आइडिया भी नहीं हुआ अभी कि इसमें इतने सारे नए नए हैं सोशल मीडिया के ऑप्शन बने हुए हैं कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ। मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, अलाउ कर देंगे, हम सर्च कर लेते हैं अपना चैनल टेक रिव्यू डेस्टिनेशन फॉर टेक। ये रहा हमारा चैनल। तो देखा, इसी ऐप के अंदर ही हमारा यूट्यूब भी ओपन हो गया, हमें कहीं और दूसरा जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ। ओके, तुम्हारा वीडियो प्ले हो गया, आप फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं। ओके, आते हैं बैक। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया हम सोशल मीडिया यूज़ करते नहीं हैं, हमको भैया न्यूज़ चाहिए। ठीक है, हम आते हैं बैक, जाते हैं ऑप्शन पे और यहाँ पे जाएंगे ऑल वर्ल्ड न्यूज़। तो यहाँ पे आ गया सारा न्यूज़, जितना सारा न्यूज़ के लगभग आपको यहाँ पे
सारे के सारे मिल ही जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसे भी आप विजिट करके देख लेना। फिर आते हैं पैक, फिर जाएंगे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे है शॉपिंग वाला, लोगों के लिए भी इंटरफेस बना हुआ है, आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्लिपकार्ट ही ओपन कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट ओपन किया, ओके, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, तो ओपन हो जाएगा। ओके, ये ओपन हो गया, कंटिन्यू इन इंग्लिश, ये आ गया फ्लिपकार्ट। अबे आप यहाँ से शॉपिंग करो। तो आते हैं बैग, फ्लिपकार्ट करते हैं बंद। अब हम खोल लेते हैं अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन भी ओपन हो गया, तो काफ़ी आसान है। तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एक ध्यान देने की बात है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंपास है, मैग्नेटिक टूल है, हार्ड आरएम है, पेडोमीटर है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ तभी कर पाएंगे अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपका हार्डवेयर आपके फ़ोन में हो, ठीक है। कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड भी यही काम करता है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर डाल दिया तो कुछ भी काम करने लगेगा। अगर आपके फ़ोन में वो हार्डवेयर मौजूद है तभी इसका सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को यूज़ में ले पाएगा और ये काम करेगा। तो ऐसा समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप में कंपास सेंसर नहीं है और आप कंपास यूज़ करता हो, ठीक है। तो मैं कंपास भी दिखाता हूँ, इसको अलाउ करते हैं। ये देखो कंपास मूव कर रहा है, मैं फ़ोन को मूव कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐप का आप शॉर्टकट बना लो, तो जाएंगे ऑप्शन पे, क्रिएट शॉर्टकट्स, तो यहाँ से आप कुछ ऐप का शॉर्टकट भी बना सकते हो। तो इस ऐप में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको डेली ऐप में चाहिए होती है, वो भी सब एक ही जगह पे। तो इस ऐप का यूज़ करके आप एक ही जगह पे काफ़ी सारे काम कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। सो उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई जल्दी कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपके सामने मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।